नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राशिस किचन स्वाद इंडिया का। आज हम देखेंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ज्वार फ्लोर का हलवा। ये ज्वार फ्लोर के हलवे में हम लोग शुगर बिल्कुल ही नहीं डाल रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं गुड़ जैगरी, इससे ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे इस काम से मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाली हूँ। ये तभी पॉसिबल है जब आप मेरी मदद करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर हो सके तो आगे भी इसे शेयर कीजिए। इसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी ज्वार फ्लोर का आटा और इसे हम 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए। ऐसे करने से हमारा जो हलवा बनेगा वो बहुत ही पका हुआ, वो कच्चा बिल्कुल ही नहीं लगेगा। और ये इसके लिए हमें घी भी कम लगेगा। देखिए इसका कलर थोड़ा सा ऐसे गोल्डन हो चुका है, तो इसे हम अभी एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अभी हम एक कटोरी, जो कटोरी से हमने आटा लिया था वो सेम कटोरी के मेजरमेंट से ही हम 2 कटोरी पानी 2 कटोरी, ये जो दूसरी कटोरी है उस ये पूरा फुल भर के नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा कम ले रही हूँ। तो ऑलमोस्ट हमने 1 कटोरी आटे के लिए 1 कटोरी गुड़ और 2 कटोरी पानी लिया है। तो इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे ताकि ये गुड़ है वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। ये तब तक गर्म होता है तो हम एक साइड में हमारा हलवा बनाएंगे। तो वही नॉनस्टिक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है। ये बहुत ही कम घी में आप बना सकते हो, बट ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा घी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर और थोड़े ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ काजू, बादाम और थोड़े से किशमिश। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो आप डाल सकते हैं और इसे अच्छे से थोड़ा गोल्डन होने तक रोस्ट कीजिए। दोस्तों ये जो काजू और बादाम है ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, ये वंडरलैंड कंपनी का है और बहुत अच्छे क्वालिटी में आया है। तो आप ये अमेजोन से ख़रीद सकते हैं, मैं इसकी जो लिंक है अमेजोन की वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम जो हमने आटा जो रोस्ट करके रखा था ज्वार फ्लोर का, वो हम अभी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो गोल्डन हो चुके थे, और अच्छे से ये मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद ऐसे कलर चेंज हुआ है और इसे हम 3 मिनट के लिए ही घी में अच्छे से रोस्ट करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छे से घी में हुआ है। जो डाइट कॉन्शियस है, ज़्यादा ही पसंद नहीं करते, वो उतने ही घी में बनाइए। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो 1 और चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और ये रेडी है। इसके लिए हार्डली मुझे 3 मिनट ही लगा और ये अभी हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से भुन चुका है, इसमें बिल्कुल ही कच्चापन नहीं है। ये देखिए ब्रेड की तरह क्रम्बल्ड हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने गुड़ और पानी का जो गर्म किया है वो हम अभी थोड़े थोड़ा करके ऐड करेंगे। एकदम से बिल्कुल ही मत ऐड कीजिए, नहीं तो गुठली बन सकती है। तो ऐसे थोड़ा करके आप इसे ऐड करते जाइए। ये बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा, इसे बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए अभी मैंने और थोड़ा ऐड कर रही हूँ, पूरा एकदम से नहीं डाल रही हूँ, इतना ऐड करके अब मैं और से इसे मिक्स कर रही हूँ। ये जो आटा है वो बहुत जल्दी से ये सोक कर लेता है और जल्दी से रेडी हो जाएगा। इस स्टेप पे मुझे हार्डली 2 मिनट ही लगे। ये जो अभी बाकी का पानी बचा था वो भी मैंने अभी इसमें ऐड कर दिए हूँ और ये बहुत जल्दी से इसे सोक करके ड्राई हो जाएगा। ये देखिए अभी मिक्स करते हुए ये कितना अच्छे से सोक कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है और इसे मुझे हार्डली 2 मिनट ही लगे बनाने के लिए जब हमने गुड़ का पानी ऐड किया। और ये हमारा साइड से बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहा है और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है हलवा। इसे आप एक प्लेट पे फैला के उसके ऐसे स्लाइस बना के बर्फी की तरह भी बना सकते हैं, बट आज मैं इसे हलवे की तरह सर्व कर रही हूँ।
ये देखिए कितना सॉफ्ट और मस्त बना है। ये बिल्कुल हेल्दी है, गुड़ का बना है और ज्वार फ्लोर बहुत ही लाइट होता है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ, इसके लिए मैंने इसे थोड़ा कट कर लिया है ऐसे ताकि सर्व करने में अच्छा दिखे। और ये देखिए कितना टेस्टी और हेल्दी बना है हमारा हलवा। दोस्तों अगर आपको आज की डिश ये पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर करना और आगे भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये शेयर कीजिए। ये देखिए कितना टेस्टी डिलीशियस बना है। तो दोस्तों ऐसे ही रेसिपी मैं लाते रहूँगी, आप ज़रूर मेरे चैनल पे बने रहिए और मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक्स। और दोस्तों ये जो चैनल से मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करने वाली हूँ तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।